लखनऊ अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को किया संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरी अखिल भारत हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। किन मुद्दों पे लेके कॉन्फ्रेंस हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा अंतर कला से कई सालों से व्याप्त है, जो कि अंतर कला है पार्टी के अंदर, जिसको एकीकरण के को लेकर के प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा जो है एक रूप में आया है और कई गुटों के लोग आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ऐसे ही एकीकरण को लेकर के हम राष्ट्र में भी एकीकरण को लेकर के आगे पहुंचेंगे और हिंदू महासभा एक होगी। 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, क्या उस पर भी आप चर्चा कुछ करेंगे? 2022 के चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तैयारी कर रही है और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे और क्या कुछ कहेंगे? कई मुद्दे हैं, अभी चुनावी घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार होगा मीडिया के सामने आएगा। फिलहाल जैसे कि हमारा चुनाव आयोग, किसान आयोग का गठन है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण है और कई मुद्दे ऐसे हैं हमारे जिनके तहत हम चुनाव में आ रहे हैं। बेरोजगारी है, कई मुद्दे हैं हमारे। बीजेपी सरकार सच्ची बनी है, समाजवादी ने एक लगाया है कि लगातार पंडितों पर अत्याचार होते रहे और चाहे कपिल तिवारी का मामला हो या विवेक तिवारी हो या एक महासभा के अध्यक्ष की हत्या होगी, इससे क्या कहना है? ऐसा है कि जातिगत राजनीति हिंदू महासभा कभी नहीं करती, क्योंकि हमारा एक मुख्य नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसलिए जो कि प्रबुद्ध प्रकोष्ठ को लेकर के प्रबुद्ध मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं उनको लेकर के ब्राह्मण को साधने के जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है जातिगत को लेकर के, हिंदू महासभा उसका विरोध करती है। आज चुनाव के समय क्यों उनको याद आया कि ब्राह्मण प्रबुद्ध है, अभी तक क्यों नहीं याद आया? तो ये जातिगत जो राजनीति कर रही है, अपना क्यों उल्लू सीधा कर रही है, इसके तहत हिंदू महासभा सभी जातियों में विश्वास रखती है और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे को आत्मसार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।